गुड मॉर्निंग एवरी वन आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंसली टू टाइप्स है इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो मोटर इंश्योरेंस कवर के अंडर ऑफर किए जाते हैं फर्स्ट है आपका लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी इसे हम एक्ट ओनली पॉलिसी भी कहते हैं फॉर्म ए जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर ए पॉलिसी फॉर एक्ट लाइबिलिटी ये जो पॉलिसी है इसे कंपल्सरी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी या एक्ट लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी भी कहा जाता है जो फॉर्म ए है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है सभी क्लास ऑफ व्हीकल्स के लिए चाहे वो प्राइवेट कार्स है कमर्शियल व्हीकल्स हैं मोटर व्हीकल्स हैं मोटर स्कूटर्स हैं विथ सुटेबल अमेंडमेंट इन लिमिटेशन एस टू यूज ये जो पॉलिसी है वो कम्पल्सरी है फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल अगर इफ द ओनर डज नाट टेक पॉलिसी नहीं ले रहा है तो ये इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन एटी एट का वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन यूज नहीं कर सकता है व्हीकल को एट अ पब्लिक प्लेस दिस पॉलिसी और ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होता है पैसेंजर पर

then against any liability which may be incurred by him in respect of the death or of bodily injury to any person including owner of the goods or his authorized representative carried in the vehicle or damage to any property of a third party caused by or arising out of the use of the vehicle in a public place मतलब अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी जो इंकर हो रही है उसके थ्रू इन रिस्पेक्ट किसके डेथ ऑफ या बॉडीली इंजरी हुई है किसी पर्सन को इंक्लूडिंग ऑफ गुड्स या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो कैरी कर रहा है जिसने व्हीकल को कैरिड uh, ऑन किया है वहीकल को चलाया है और डैमेज की है किसी प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी की जो कॉस्ट हुई है या अराइज हुई है आउट ऑफ यूज ऑफ द व्हीकल इन अ पब्लिक प्लेस देन अगेंस्ट दी डेथरीज पॉलिसी है वो कवर करेगी कोई भी लाइबिलिटी जो इंकर हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट अप टू दिमिट जो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इंकर हुई है या इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज टू प्रोपर्टी ऑफ अ थर्ड पार्टी अप टू सिक्स थाउजेंड और ये इंक्रीज हो सकती है सेवन फिफ्टी थाउजेंड तक फोर व्हीलर्स के लिए एंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फॉर टू व्हीलर्स के लिए बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम जो रेंज कर सकता है बिटवीन फिफ्टी रुपीज टू टू हंड्रेड रुपीज फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ व्हीकल्स देन जो पॉलिसी uh, है शेल बी ऑफ नो इफेक्ट अनलेस एंड अनटिल जो इंश्योरर है उसने इशू किया लाइबल हो, in होगा एंडिफाई करने के लिए पर्सन को या क्लासेस ऑफ पर्सन को जो स्पेसिफाइड है पॉलिसी में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी जो भी पॉलिसी पर्पोर्ट करती है अपने कवर में Then, exceptions क्या है इसके लिए फॉलोइंगिटी पॉलिसी डैमेज और लाइबिलिटी अगर कॉज हुई है सस्टेड हुई है या इंकर्ड हुई है आउटसाइड दियोग्राफिकल एरिया तो इंश्योर लाइबल नहीं है लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ हिस्स एम्प्लॉयमेंट या एनी क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी या एनी कॉन्सिक्वेंशियल अपॉन दी एनी एक्सीडेंट एंड इन क्लेम। जो भी लेटर क्लेम रेट और प्रोसेस होगा वो फॉरवर्ड करना है आपने कंपनी को और वो फॉरवर्ड कंपनी को कौन करेगा एंश्योर करेगा देन प्रोमिस ऑफ पेमेंट और एंड सब्रोगेशन जो ड है वो प्रॉमिस नहीं कर सकता पेमेंट या इन विदाउट रिटर्न कंसेंट ऑफ दी कंपनी जो कंपनी है वो इंटाइटल है टेक ओवर करने के लिए केस को डिफेंस करने के लिए अपना या सेटलमेंट करने के लिए किसी भी क्लेम की या प्रोसिक्यूट वो कर सकती है इन दी नेम ऑफ इंश्योर्ड अगर जो कंपनी है वो पेमेंट करती है इन सेटलमेंट ऑफ एनी क्लेम और वो जो अमाउंट है वो कवर्ड नहीं है अंडर पॉलिसी तो जो इंश्योर्ड है वो कंपनी को रीपे करेगा देन इंश्योर लाइबिलिटी फॉर एफिशिएंट कंडीशन ऑफ व्हीकल जो इंश्योर्ड है वो रीजनेबल स्टेप्स लेगा मेंटेन करने के लिए इंश्योर्ड वहीकल को एफिशियंट कंडीशन में जो कंपनी है उसके पास राइट right है एट ऑल टाइम्स फ्री है फुल एक्सेस है उसके पास टू एग्जामिन करने टू एग्जामिन द इंश्योर्ड व्हीकल और एनी पार्ट ऑफ दी व्हीकल या ड्राइवर और ऑफ़ दी इंश्योर्ड दे नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी जो कंपनी है उसके पास राइट है कैंसिल करने का पॉलिसी बाय गिविंग सेवन डेज नोटिस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट टू इंश्योर्ड जो कंपनी है वो रिटर्न करेगी बैलेंस अमाउंट प्रीमियम का आफ्टर डिडक्टिंग दी प्रीमियम उतने दिन के लिए जितने के लिए पॉलिसी फोर्स में रही है देन मिनिमम प्रीमियम जो है हंड्रेड रुपीज वो अपने पास रख सकती है कंपनी जो पॉलिसी है कैन नॉट बी कैंसल्ड केस जो ऑनरशिप है व्हीकल की वो ट्रांसफर हो जाती है देन डबल इंश्योरेंस अगर डबल इंश्योरेंस है एट द टाइम ऑफ एनी क्लेम तो जो कंपनी है वो लाइबल नहीं है पे करने के लिए मोर देन इट्स रेटेबल प्रोपोर्शन ऑफ एनी कंपनसेशन और जो कॉस्ट और एक्सपेंस है देन डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिफरेंस अराइज होता है किस चीज के रिगार्डिंग रिगार्डिंग क्वांटम टू बी पेड अंडर दिस पॉलिसी कितना पे करना है आपको तो जो डिफरेंस है वो रेफर किया जाएगा सोल आर्बिट्रेटर को जो आर्बिट्रेटर है वो अपॉइंट करेंगी पार्टीज इन राइटिंग और अगर वो एग्री नहीं करती है किसी सिंगल आर्बिट्रेटर पर विद इन थर्टी डेज तो उसे रेफर किया जाएगा एक पैनल ऑफ थ्री आर्बिट्रेटर्स को देन अबेंडमेंट ट ऑफ क्लेम अगर जो कंपनी है वो डिस्क्लेम करती है किसी भी लाइबिलिटी को टू दोर्ड फॉर एनी क्लेम तो जो इंश्योर्ड है वो फाइल नहीं करता है अगर सूट विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम दी डेट ऑफ डिस्कोम क्लेमर तो जो क्लेम है उसे अबेंडेंट माना जाएगा और शेल नॉट बी रिकवरेबल देयर After. Then, of terms and जो insured है, उसे कंप्लाइन करना है टर्म्स एंड कंडीशन से और एंडोर्समेंट ऑफ दी पॉलिसी से और उसे स्टेटमेंट और आंसर ट्रूली देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ प्रपोजल और ये कंडीशन है प्रेजिडेंट टू एनी लाइबिलिटी ऑफ दू मेक एनी पेमेंट अंडर दिस फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम दी डेट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड और अंटिल जो एक्सपायर पॉलिसी है दोनों में से जो भी अर्लियर होता है और उतने पीरियड में जो पॉलिसी है वो ट्रांसफर की जा सकती है लीगल इयर्स को इंश्योर्ड के देन नेक्स्ट है हमारा पैकेज पॉलिसी इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कहते हैं ये कवर करती है लॉस या डैमेज व्हीकल को जो इंश्योर किया गया है इन एडिशन टू थर्ड पार्टी लॉस इसका मतलब है सभी टाइप्स के रिस्क और डैमेजेस जो एसोसिएटेड है व्हीकल से वो कवर्ड होते हैं इस पॉलिसी में नॉर्मली फॉलोइंग लॉसेज और डैमेज व्हीकल को हो रहे हैं वो अंडर पैकेज पॉलिसी आते हैं वो कौन कौन से हैं आपके पॉलिसी uh, कंडीशंस जो है उसके अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया है फोर पार्ट्स में पहला है लॉस और डैमेज टू व्हीकल जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंसिबल होगी फॉलोइंग या डैमेजेस जो हो रहे हैं और इनडेमिफाई करेगी इंश्योर्ड को उन लॉसेज और डैमेजेस के लिए जो पैकेज और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है वो कवर करती है सभी टाइप्स के इंश्योर्ड रिस्क चाहे वो लीगल लाइबिलिटी से रिलेटेड हो अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट या फिर टोटल एक्सीडेंट एक्ट और कॉमन लॉ वो लॉसेस कौन कौन से एक्सटर्नल डैमेज लॉस ड्यू टू रॉयट एंड स्ट्राइकरी हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक लॉस ड्यू टू स्टॉम एंड फ्लड डैमेज ड्यू टू टेररिज्म लॉस वाइल इन ट्रांजिट बाय रेल रोड एयर एलिवेटर लिफ्ट एक्सेट्रा क्या क्या जो है वो पॉलिसी में कवर नहीं होगा वियर एंड डेप्रिशिएशन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस डैमेज टू तो इंश्योर पर्सनल प्रॉपर्टी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड विदाउट दि कंसेंट ऑफ कंपनी अदर एक्सक्लूशन एज पर पॉलिसी वॉर्डिंग अदर प्रोविजन क्या है सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड टोइंग कॉस्ट अगर जो व्हीकल है वो डिसेबल्ड हो गया है किस रीजन की वजह से लॉस की वजह से या डैमेज की वजह से जो पॉलिसी में कवर्ड है तो जो कंपनी है वो बियर करेगी रीज़नेबल कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन और जो व्हीकल्स है उसे मूव करने के चार्जेस टू दी नियरेस्ट रिपेयर सेंटर लेकिन ये जो चार्जेस हैं वो एक्सीड नहीं कर सकते सेवन फिफ्टी से ज्यादा फॉर थ्री व्हील्ड व्हीकल्स फाइव फॉर टैक्सीज एंड ट्वेंटी फाइव फॉर अदर कमर्शियल व्हीकल्स देन है आपका इंश्योर डिक्लेय वैल्यू जो इंश्योर डिक्लेय वैल्यू है व्हीकल की उसे समझा जाएगा सम एश्योर्ड फॉर पर्पस ऑफ पॉलिसी जो फिक्स होगा एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस और रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस एंड उसे एडजस्ट किया जाएगा डेप्रिशिएशन से देन जो आपकी ये इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू है उसे ट्रीट किया जाएगा एज मार्केट वैल्यू फॉर पर्पस ऑफ टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस

किस वजह से ड्यू टू यूज ऑफ व्हीकल जब आप कर रहे हो उस टाइम पे देन डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी को कॉस्ट बाय यूज ऑफ व्हीकल देन कंपनी विल पे ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसिस जो भी इंकर हो रहे हैं विद इट्स रिटर्न कंसेंट कंपनी एंडेमोनीफाई करेगी किसी भी ड्राइवर को जो ड्राइव कर रहा है इंश्योर्ड का व्हीकल ऑन दी इंश्योर्ड ऑर्डर उसके ऑर्डर से या फिर और विद इंश्योर्ड अंडरटेक कर सकती है डिफेंस in प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट और अलाइज ऑफेंस जो कॉज हुआ है या रिलेट करता है किसी इवेंट से जो सब्जेक्ट है इंडेमिटी का इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन जो इंटाइटल टाइटल है इन के लिए अंडर दिस पॉलिसी जो कंपनी है कंपनी लाइबल नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन इन दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंशोर्ट अगर वो इंप्लॉयमेंट में है इंश्योर की तो उसके लिए लाइबल नहीं होगी जो कंपनी है वो लाइबल नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज जो हो रहा है प्रॉपर्टी को बिलोंगिंग को जो बिलोंग करती है या हेल्ड की हुई है उसने इंटरेस्ट या इन कस्टडी है इंश्योर्ड की या मेंबर ऑफ द इंश्योर्ड हाउस होल्ड की या उसे कन्वे की गई है बाय द इंश्योर्ड वहीकल देन जो कंपनी है वो लाइबल नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज अगर किसी भी ब्रिज को हो रहा है वाइडक्ट को हो रहा है या एनी रोड हो रहा है वाइब्रेशन की की वजह वजह से से या उसके वेट शॉर्ट व्हीकल के या लोड जो वो कैरी कर रहा है इन शॉर्ट व्हीकल उसकी वजह से एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट जो कंपनी है वो लाइबल नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और बॉडीली इंजरी किसी भी पर्सन को जो इम्प्लॉय नहीं है इम, आ, का एंड जो कैरी कैरिड नहीं कर रहा है उस व्हीकल को फॉर हायर और रिवॉर्ड अदर देन ऑफ़ द गुड्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑनर ऑफ गुड्स बीइंग कैरिड इन देन आता है हमारा टोइंग डिसेबल्ड व्हीकल्स Uh, अगर जो कोई भी इंश्योर्ड व्हीकल है जो आप यूज कर रहे हो टोइंग के लिए फॉर वन डिसेबल्ड मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल देन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पॉलिसी जो इन है वो एक्सटेंड हो सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी इन कनेक्शन विथ सच टोर्ड वहीकल प्रोवाइडेड कि जो वहीकल है वो रिवॉर्ड के लिए टोर्ड ना हो जो कंपनी है वो लाइबल नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टोर्ड वहीकल देन पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ऑनर ड्राइवर जो कंपनी है वो पे करेगी कंपनसेशन इंजरी के लिए या डेथ के लिए जो सस्टेन्ड हुई है ऑनर के ड्राइवर को व्हीकल का जो था और ट्रेवलिंग अगर हो रही है इन द इंश्योर्ड व्हीकल एज अ को ड्राइवर को ड्राइवर को भी जो एक्सीडेंट है मस्ट बी कॉज होना चाहिए बाय वायलेंट एक्सटर्नल एंड विजिबल मींस जो स्केल ऑफ कंपनसेशन है हंड्रेड परसेंट है इन डेथ एंड टोटल डिसेबिलिटी एंड फिफ्टी परसेंट इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी इसके लिए कंडीशन क्या है इस क्लॉज की जो कंपनसेशन होगी वो पेड होगी आइदर फॉर डेथ और टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी लेकिन वो एक्सीड नहीं करेगी टू लाख रुपीज डर कोई कंपनसेशन पीरियड नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और इंजरी अराइजिंग ड्यू टू इंटरनेशनल सेल्फ इंजरी सुसाइड सुसाइड और अटेम्प्टेड फिजिकल डिफेक्ट और इन्फॉर्मिटी और अगर जो ड्राइवर था वो इन्फ्लुएंस में था लिकर या ड्रग्स के देन कंपनसेशन जो है वो पे की जाएगी इंश्योर्ड को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच